Welcome to all in Modern Gurukula. I hope you all are well and attempt the last mock test, that is full length test for your MNS examination. Today here we will discuss the another mock test set 2 that is very important and expected questions for your upcoming examination. So without a waste of a time, the first section is, as we already discussed in the last test, there are mainly three sections: general science, English and general intelligence. So we will discuss one by one. So first section is general science. The first question is, the basic unit of all living organism is, options: a drop of blood, a molecules of glucose, a set of protein, and last is a cell. The correct answer is D, that is a cell. We all know that cell is the basic structural and functional unit of life. The next, a bat is a mammal, a reptile, an amphibian, an avian. The correct answer is A, that is mammal. Next, which of the following is not the characteristics of fungi? Aapko batana hai kaun sa isme se not. Before solving these type of question, please mention that ki kya pucha hai question mein. Not pucha hai ki क्या पूछा है, तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, नॉट बताना है, नहीं बताना है जो करेक्टरिस्टिक्स नहीं है. ऑप्शंस: ऑटोट्रॉपिक्स, हेटरोट्रॉपिक्स, पैरासाइटिक, स्पेरोटाइपिक. द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज ऑटोट्रॉपिक. नेक्स्ट, मैमल्स आर वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड, बोथ ए एंड बी, एंड नन ऑफ दिस. द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज वार्म ब्लडेड. नेक्स्ट, आउटर कवरिंग ऑफ वायरस मेड अप ऑफ अ प्रोटीन. जो वायरस होता है उसका आउटर कवर किस प्रोटीन से मिलके बनता है? ऑप्शंस: कैप्सिड, कोट, विरियन एंड वायराइड. द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज कैप्सिड. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासाइटिक प्लांट. आपको बताना है कौन सा इसमें से पैरासाइटिक प्लांट है. ऑप्शंस: कुसकटा, बनायन, एम्बरेल, ऑल ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैमल. बताना है कौन सा इसमें से आपका मैमल नहीं है, नॉट पूछा है, ठीक है, और मैमल्स नहीं है. ऑप्शंस: फिश, काउ, गोट, व्हेल. द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज फिश. फिश आपका मैराइन एनिमल्स में आ जाता है, तो मैमल नहीं है ये आपका. नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन कैन टेक प्लेस बाय. सेल डिवीजन का प्रोसेस किसके थ्रू टेक प्लेस होता है? ऑप्शंस: हेट्रोसिस, फ्यूजन, माइटोसिस एंड मियोसिस. तो सेल डिवीजन आपको पता होगा दो तरीके से होता है, माइटोसिस और मियोसिस. माइटोसिस प्रोकैरियोटिक सेल, मियोसिस आपका यूकैरियोटिक सेल. सिंगल राउंड ऑफ रेप्लिकेशन एंड डबल, ठीक है. तो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज माइटोसिस. नेक्स्ट, द ऑर्गेनिल दैट मेक एटीपी इज. ऑप्शंस: एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोशिन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है. ऑप्शंस: माइक्रोबॉडी, न्यूक्लियस, माइट्रोकॉन्ड्रियन एंड राइबोसोम. द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज माइट्रोकॉन्ड्रियन. माइट्रोकॉन्ड्रिया यानी कि माइट्रोकॉन्ड्रिया आपका क्या बोलते हैं उसको हम, पावर हाउस ऑफ द सेल. तो पूछा है कि कौन सा ऑर्गेनिल आपका एटीपी, एटीपी आपका क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है आपका, माइट्रोकॉन्ड्रियन. सो द करेक्ट आंसर इज सी. नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन ह्यूमन डाइट कॉज गोइटर, स्कर्वी, एनीमिया एंड रिकेट्स. द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज एनीमिया. ब्लड में सॉरी आयरन की कमी हो जाने से हमको कौन सी डिजीज होती है, एनीमिया. नेक्स्ट, कॉलर बोन्स इज नोन एज स्कैपुला, कोराकॉइड, पेटेला, कैलेविसाइल. द करेक्ट आंसर इज डी. नेक्स्ट, इन ह्यूमन टीथ द टाइप ऑफ टाइप दैट हेल्प इन कटिंग आर. कौन से टीथ आपके कटिंग के लिए हेल्प करते हैं? ऑप्शंस: कैनाइन, इंसीजर, मोलर एंड प्री मोलर. द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज इंसीजर. नेक्स्ट, वट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बोन एंड टीथ. बोन एंड टीथ का मेन कंपोनेंट कौन सा है? ऑप्शंस: कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम सल्फेट एंड कैल्शियम नाइट्रेट. द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट. नेक्स्ट, इन मैमल्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन ब्लड विद द हाइएस्ट ऑक्सीजन कंटेंट. ऑप्शंस: राइट आर्ट्रियम, जुगलर विंस,
pulmonary artery and left ventricle. The correct answer is D, that is left ventricle. Next, color blindness is a color blindness कैसी disease है आपकी? Options six limited character, six link character, six influence character and none of the above. The correct answer is B, that is six link character. Next, the energy released during cellular respiration is stored in किस form में energy आपकी store होती है? किस time पे आपका cellular respiration के time पे? Options ATP, glucose, lungs, ilum. The correct answer is A, that is ATP. Next, among the following food item, which one has the highest amount of carbohydrate? Carbohydrate सबसे ज़्यादा किस में होता है? कौन से food में होता है? Options, apple, banana, cabbage and pea. The correct answer is B, that is banana. Banana में आपका सबसे ज़्यादा क्या होता है? Carbohydrate होता है. Next, which of the following is true? Options, heart purify blood, heart separate excretory waste from blood, heart circulate blood and heart supply oxygen to blood. The correct answer is C, that is heart circulate blood. Blood that is oxygenated and deoxygenated, ये आपको पता ही होगा. Next, the function of incisor is, incisor का function क्या है? Options, cutting, tearing, grinding and chewing. The correct answer is A, that is cutting. Next, BCG vaccine is injected to immunity from. BCG का full form देख लेते हैं सबसे पहले Bacillus calamenti guerin. ठीक है, तो अब पूछा है आपसे is injected to get immunity from. किससे immunity के लिए inject किया जाता है? Options, polio, cholera, smallpox and tuberculosis. The correct answer is D, that is tuberculosis. Next, match the following. अब यहाँ पे आपको match the following, match करना है, ठीक है? इधर देखिए आपको red blood cell, white blood cell and platelets. Options, ने match आपको जिससे करना है, leukocyte, erythrocyte and thrombocyte. The correct answer is B, that is A का 2, यानी कि red blood cell, erythrocyte. B का 1, white blood cell, leukocyte and platelets, thermocytes. The correct answer is B. Next, dash is associated with transfer of water in plant. कौन करता है transfer of water in plants? Option, xylem, phloem, chloroplast and parenchyma. The correct answer is A, that is xylem. Next, which of the following is a protein? कौन सा इनमें से आपका protein है? Options, wool, starch, natural rubber and cellulose. The correct answer is A, that is wool. Next, which of these are water soluble vitamins? Water soluble vitamin आपको बताने, दो टाइप के आपके vitamins होते हैं, that is water soluble और दूसरा होता है आपका fat soluble. तो आपको बताना है कौन सा इसमें से water soluble है और कौन सा fat soluble है. तो water soluble आपकी कौन सी होती है? B and C. तो देख लेते हैं ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, ए बी सी, ए सी डी, बी सी, ए बी सी डी. द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज बी एंड सी. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज कॉमनली नोन एज ब्रेड मोल्ड. कौन सी फंजाई आपकी ब्रेड मोल्ड के नाम से जानी जाती है? ऑप्शंस, एस्परजिलस, नेक्स्ट पेनिसिलियम, साइंट्रियम, लास्ट वन इज राइजोपस. द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज राइजोपस. नेक्स्ट, फ्लावर एमिट फ्रेगमेंट टू. ऑप्शंस, प्योरीफाई एयर, फ्लावर एमिट्स फ्रेगमेंट्स टू. क्यों आपका फ्लावर जो है वो फ्रेगमेंट्स को एमिट करता है? ऑप्शंस, प्योरीफाई एयर, डेराइव अवे फाइल्स, अट्रैक्ट इंसेक्ट एंड परफॉर्म ऑल ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर इज सी, that is attract insect. Next, which one of the following prevent bleeding of gum? कौन सा आपका prevent करता है किससे? Bleeding of gum से. Options, ascorbic acid, vitamin B, nicotinamide and thiamine. The correct answer is A, that is ascorbic acid. Next, a plant with green leaves view in red light will appear.
ऑप्शंस ब्लैक ग्रीन रेड वॉयलेट द करेक्ट आंसर इज ए दैट इज ब्लैक. नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज एक्ट बोथ एज एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड. कौन सा आपका दोनों ग्लैंड की तरह काम कर एक्ट करता है. ऑप्शंस एडर्नल पेनक्रियाज टेस्टी एंड ओवरी. द करेक्ट आंसर इज बी दैट इज पेनक्रियाज ग्लैंड. नेक्स्ट इन विच वर्टिब्रेट ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड गेट मिक्सड. कौन से उसमें आपका वर्टिब्रेट्स में ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है आपका मिक्स हो जाता है. ऑप्शंस फिश एम्फीबियंस बर्ड्स एंड मैमल. द करेक्ट आंसर इज बी दैट इज एम्फीबियंस. नेक्स्ट वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्यों मेटल आपके गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. आपको पता है ना मेटल आपके मेटल नॉन मेटल और मेटलॉइड्स. मेटल क्या होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ऑप्शंस दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन द एटम आर लाइकली पैक्ड दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड ऑल ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर इज ए दैट इज दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट पास्कल इज द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. पास्कल किसकी यूनिट है. ऑप्शन थ्रस्ट प्रेशर फ्रिक्वेंसी कंडक्टिविटी. द करेक्ट आंसर इज बी दैट इज प्रेशर. नेक्स्ट अ कॉपर प्लेट हैज अ सर्कुलर होल कट इन इट. इफ द प्लेट इज हीटेड टू अ हायर टेम्परेचर द डायामीटर ऑफ होल क्या होगा कह रहा है. ऑप्शंस बिकम स्मॉलर इंक्रीज रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड द लास्ट इज इंक्रीज बट द टोटल एरिया ऑफ प्लेट रिमेन कॉन्स्टेंट. द करेक्ट आंसर इज बी दैट इज इंक्रीज. नेक्स्ट द फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल वेव्स आर. ऑप्शंस वेवलेंथ फ्रिक्वेंसी वेलोसिटी ऑल ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर इज डी दैट इज ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ अ वेव द वन दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर इज इट्स. ऑप्शंस एम्पलीट्यूड वेलोसिटी वेवलेंथ फ्रिक्वेंसी. द करेक्ट आंसर इज ए दैट इज एम्पलीट्यूड. नेक्स्ट द क्रिस्टल ऑफ डायमंड शाइन्स ड्यू टू. ऑप्शंस हाई डेंसिटी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्रिस्टलैटिक्स नन ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर इज बी दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. नेक्स्ट द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटीरियल ऑफ अ ग्लास प्रिज्म डिपेंड ऑन. ऑप्शंस द एंगल ऑफ द प्रिज्म द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंस लाइट रे द कलर ऑफ द इंसिडेंस लाइट रे एंड लास्ट इज साइज ऑफ द प्रिज्म. द करेक्ट आंसर इज सी दैट इज द कलर ऑफ द इंसिडेंस लाइट रे. नेक्स्ट अ मैन वियरिंग स्पेक्टेकल्स when working with a microscopes. Options cannot see anything through the microscope should keep on wearing spectacles and see should take off his glasses and the last is may work with or without glasses or spectacles. The correct answer is C that is should take off his spectacles. Next the spread in color in a rainbow on skies primarily due to. Options dispersion of sunlight reflection of sunlight reflection of sunlight and total internal reflection of sunlight. The correct answer is A that is dispersion of sunlight. Next ability of the eye to see object at all distance is called. Sabhi cheezon ko ek eye ki eye to see object all the distance क्या बोलते हैं एबिलिटी. ऑप्शंस बाइनोकुलर विजन मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया एंड एकोमोडेशन. इसको हम बोलते हैं आपका एकोमोडेशन द पावर ऑफ एकोमोडेशन. नेक्स्ट बट विच वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयरन ओर. कौन सा आपका इसमें आयरन ओर है. ओर का मतलब क्या होता है. ओर का मतलब होता है आपका गैंग्स और ओर आपकी इम्प्योरिटीज होती हैं. ऑप्शंस बॉक्साइट मैग्नामाइट मैग्नेटाइट लिग्नाटाइट नाइट्राइट. द करेक्ट आंसर इज बी दैट इज मैग्नेटाइट. नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग इज लिक्विड नॉन मेटल. ऑप्शंस मर्करी ब्रोमाइन वाटर एंड एल्कोहल. द
करेक्ट आंसर इज बी दैट इज ब्रोमाइन. नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेकिंग पेंसिल्स. ऑप्शंस ग्रेफाइट बोन ब्लैक ब्लैक एस नन ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर इज ए दैट इज ग्रेफाइट. पेंसिल में क्या होता है आपका. नेक्स्ट बेकेलाइट इज अ को पॉलीमर ऑफ फिनॉल एंड किसका को पॉलीमर है. को पॉलीमर का मतलब क्या होता है जब दो आपके ऐड हो रहे हैं. होमो पॉलीमर का मतलब होता है आपका सिंगल. ठीक है ऑप्शंस हैं फॉर्मेल्डिहाइड एस्टेल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड और सिनेलहाइड. द करेक्ट आंसर इज ए दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड. नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज प्रिजर्वेटिव फॉर फूड स्टफ. कौन एज अ प्रिजर्वेटिव आपका यूज होता है. ऑप्शंस सोडियम बेंजोएट पिक्रिक एसिड ग्लाइसरीन सोडियम क्लोराइड. द करेक्ट आंसर इज ए दैट इज सोडियम बेंजोएट. नेक्स्ट द गैस विच टर्न लाइम वाटर मिल्की इज कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड अमोनिया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. द करेक्ट आंसर इज ए दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट कैटालिस्ट इज अ सब्सटेंस विच. क्या करते हैं कैटालिस्ट आपके कहाँ पे यूज होते हैं. ये रिएक्शंस में यूज करते हैं हम लोग. किस क्या काम होता है इनका. इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन हैज नो एक्शन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन नन ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर इज ए दैट इज इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. करते क्या है ये किसी रिएक्शन में उसका रेट इंक्रीज कर देते हैं जिसकी वजह से फॉर एग्जाम्पल अगर कोई रिएक्शन आपकी 1 आवर में प्रोसीड होने वाली थी तो वो कितने कितने आवर्स कितनी कितने जल्दी हो जाएगी 30 मिनट्स में हो जाएगी. क्यों होगी बिकॉज हमने उसमें क्या किया आपका कैटलिस्ट यूज़ किया जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है. नेक्स्ट फायर फाइटिंग क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग. ऑप्शंस मिका एस्बेस्टस टेल्स एंड सेटेटाइट. द करेक्ट आंसर इज बी. नेक्स्ट द मेजर कंपोनेंट इन द एलपीजी इज मिथेन ब्यूटेन प्रोपेन एंड डी बोथ बी एंड सी. द करेक्ट आंसर इज डी दैट इज बोथ बी एंड सी. तो किस किस का हम लोग यूज करते हैं ब्यूटेन और प्रोपेन. नेक्स्ट हाइड्रोजन इज फाउंड इन एटमोसफेयर बिकॉज इट हैज हाईली इनफ्लेमेबल इट इज अ लाइटेस्ट गैस इट इज एब्सॉर्ब बाई प्लांट इट इमीडिएटली कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर. नहीं नॉट फाउंड नहीं पाई जाती है. क्यों नहीं पाई जाती है कहाँ पे आपकी सबसे ज़्यादा होती है आपकी हाइड्रोजन गैस एटमोसफेयर में नहीं होती है. ठीक है तो एटमोसफेयर में आपकी सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है नाइट्रोजन. बिकॉज हाइड्रोजन इसलिए नहीं होती क्योंकि अगर आपसे पूछे यूनिवर्स में तो यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा गैस आपकी कौन सी है हाइड्रोजन है. बट एटमोसफेयर में कौन सी है आपकी नाइट्रोजन. क्यों नहीं है बिकॉज ये आपकी कैसी गैस है लाइटेस्ट गैस है. नेक्स्ट द नेक्स्ट सेक्शन इज नॉलेज. सो लेट्स स्टार्ट. हु हैज बिकम द फर्स्ट गर्ल स्टूडेंट टू विन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्राइज. कौन सी लड़की है पहली जिसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्राइज मिला है. ऑप्शंस सुबिमल घोष लिपि ठुरकाल कविता गोपाल एंड दिव्या अग्रवाल. द करेक्ट आंसर इज सी दैट इज कविता गोपाल. है क्या ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्राइज. ये आपका प्रेसिडेंट के थ्रू दिया जाता है. किस चीज़ में दिया जाता है अगर आपने साइंस में आर्ट्स में किसी फील्ड में अच्छा कुछ परफॉर्म किया है या तो प्रेसिडेंट के थ्रू दिया जाता है या तो ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट आपका कौन देता है प्राइम मिनिस्टर देता है. तो ये जो कविता गोपाल है ये आपकी IIT मद्रास की स्टूडेंट थी जिनको इस साल किसने दिया है प्राइम मिनिस्टर ने दिया है नरेंद्र मोदी ने दिया है. ठीक है इन द नेक्स्ट क्वेश्चन Who was awarded the G.N. Ramacharan Gold Medal by President Ramnath Kovind? Options: Professor Amitabh Chattopadhyay, Dr. Amol Prakash, Dr. Bodhisattva Harja, Dr. Prabhat Ranjan Prem. The correct answer is A, that is Professor Amitabh Chattopadhyay. Next, how many countries, including India, have signed an agreement to stop the spread of ऑनलाइन फेक न्यूज़. ऑनलाइन फेक न्यूज़ की स्प्रेड को स्टॉप करने के लिए कितनी कंट्री ने साइन किया है. ऑप्शंस 25, 20, 22 एंड 28. द करेक्ट आंसर इज बी दैट इज 20. नेक्स्ट विच स्टेट टॉप द स्कूल
एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स रिलीज बाय नीति आयोग. नीति आयोग के बारे में हमने पढ़ा है, नीति आयोग का चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर. ऑप्शंस उत्तर प्रदेश, बिहार, केरला एंड पंजाब. द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज केरला. वी ऑल नो दैट साउथ इज वेरी मच पॉपुलर इन स्टडी, एजुकेटेड आपका स्टेट्स में आता है ना साउथ. और सबसे गंदा कहाँ पे आएगा आपका, यूपी, उत्तर प्रदेश. नेक्स्ट, व्हेन इज इंटरनेशनल कॉफ़ी डे सेलिब्रेटेड, किस दिन आपका इंटरनेशनल कॉफ़ी डे सेलिब्रेट किया जाता है. ऑप्शंस अक्टूबर 1st, अक्टूबर 2nd, अक्टूबर 3rd, अक्टूबर 4th. द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज अक्टूबर 1st. नेक्स्ट, व्हाट इज द स्ट्राइक रेंज ऑफ द लैंड अटैक वर्जन ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूशियल मिसाइल्स. से पूछा है कि कितने उस तक रेंज तक आपका ये वर्क करती है. ऑप्शंस 240 किलोमीटर, 290 किलोमीटर, 310, 360. द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज 290 किलोमीटर. नेक्स्ट, विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी इज सेलिब्रेटेड ऑन अक्टूबर 2, 2019. क्वेश्चन पूछा आपसे कि लास्ट ईयर 2019 में कौन सी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई. ऑप्शंस 150, 160, 170 एंड 180. द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज 150. नेक्स्ट, विच फास्ट फैशन रिटेलर हैज फील्ड फॉर बैंक करप्सी. किसके लिए आपका बैंक करप्सी हुआ है. ऑप्शंस फॉरएवर 21, H&M, जारा एंड टॉप शॉप. द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज फॉरएवर 21. नेक्स्ट, विच इंडियन रेसलर हैज़ बिकम वर्ल्ड नंबर 1 इन द 86 kg कैटेगरी. कौन आपका वर्ल्ड का नंबर 1 बना है 86 kg कैटेगरी में. ऑप्शंस ब्रजन पुनिया, दीपक पुनिया, रवि धरिया, राहुल अवेयर. द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज दीपक पुनिया. नेक्स्ट, हु हैज़ टेकन ओवर एज द न्यू IAF चीफ, यानी कि इंडियन एयरफोर्स का आपसे क्या पूछा है, चीफ कौन नए बने. ऑप्शंस एयर मार्शल RK सिंह भदौरिया, एयर मार्शल RNS ठाकुर, एयर मार्शल SN गुप्ता, एयर मार्शल राहुल सेल. ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका. द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज एयर मार्शल RKS, यानी कि राकेश कुमार सिंह. नेक्स्ट, विच इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन हैज बीन ऑनर्ड विद द प्लैनेट नेम आफ्टर हिम. प्लैनेट नेम आफ्टर हिम. ऑप्शंस भीमसेन जोशी, लता मंगेशकर, कुमार जावेद, कुमार गडवर, पंडित जरसल. द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज पंडित जसराज. नेक्स्ट, विच अमेरिकन स्प्रिंटर वॉन द गोल्ड मेडल इन द वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप 2019 by completing 100 meter in 9.76 second. Options Kristin Kolum, Justin Galtin, Address D. Cross, Usain Bolt. The correct answer is A, that is Kristin Kolman. Next, which commission has short response for the center and state on their procedure involving sexual harassment cases. Options NCW, NCPCR, NHRC, NIPCCD. The correct answer is C, that is National Human Rights Commission. जो आपका क्या देखता है, ह्यूमन्स के अगेंस्ट कुछ भी आपका होता है तो वो कौन सा कमीशन हैंडल करता है, NHRC, that is National Human Rights Commission. Next, which city hosted the Global Migration Film Festival? कौन सी सिटी आपकी ग्लोबल माइग्रेशन फिल्म फेस्टिवल होस्ट करेगी. ऑप्शंस पुणे, ढाका, काठमांडू, कोलकाता. द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज ढाका. नेक्स्ट, द डे दिसंबर 3, 2019 मार्क द 35th ईयर ऑफ विच मेजर इंडियन ट्रेजेडी. कौन से ट्रेजेडी की बात कर रहे हैं इससे रिलेटेड. ऑप्शंस भोपाल गैस ट्रेजेडी, बॉम्बे बॉम्बिंग, दिल्ली बॉम्बिंग, अमरनाथ यात्रा ट्रेजडी. द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज भोपाल गैस ट्रेजडी. नेक्स्ट, विच ग्लोबल अलायंस मार्क इट 70 ईयर इन 2019. ऑप्शंस किसके आपके 70 ईयर हुए हैं 2019
19 है. ऑप्शंस वॉर्सो, सार्क, नैम एंड नाटो. नेशनल नाटो का फुल नेम याद रख लेना, नेशनल एग्रीमेंट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज नाटो. नेक्स्ट, व्हेन इज वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे ऑब्जर्व एवरी ईयर. कब आपका वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे ऑब्जर्व किया जाता है. ऑप्शंस 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर एंड 4 दिसंबर. द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज 3 दिसंबर. नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज ऑनर्ड विद द 2019 बैलन डी अवार्ड. ऑप्शंस लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लुइस सुआरेज एंड लुका मॉड्रिच. द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज लियोनेल मेसी. नेक्स्ट, हु इज द राइटर ऑफ बुक अर्ली इंडियन द स्टोरी ऑफ अवर एनसेस्टर एंड वेयर वी कम फ्रॉम. हु रिसेंटली वॉन द शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज. याद रखना ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपका. सबसे पहले क्या किया है, शक्ति भट्ट बुक प्राइज. और कौन सी बुक है, अर्ली इंडियंस द स्टोरी ऑफ अवर एनसेस्टर एंड वेयर वी कम फ्रॉम. ऑप्शंस रवि बुर्मान, अच्युते नंदन, रोमेश दत्ता, टॉनी जोसेफ. टॉनी जोसेफ आपके बहुत फेमस राइटर हैं, इनका नाम याद रखेंगे. टॉनी जोसेफ को मिला है आपका कौन सा प्राइज, मिला है शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज. नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 24th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स CAG. कौन है. ऑप्शंस सुमोतो घोष, सुमाराव बुर्मान, आशुतोष सेले, प्रत्यकला दत्ता. द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज सोमारॉय बुर्मन. नेक्स्ट, वेन वॉज इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष लॉन्च. कब आपका मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया था. ऑप्शंस 2014, 16, 18 एंड 17. द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज 2000. नेक्स्ट, विच कंट्री टुक ओवर द G20 प्रेसिडेंसी इन 2019 फ्रॉम जापान. ऑप्शंस फ्रांस, इजराइल, सऊदी अरेबिया एंड चाइना. द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज सऊदी अरेबिया. नेक्स्ट, वेन इज इंटरनेशनल डे फॉर एबॉल्यूशन ऑफ स्लेवरी ऑब्जर्व. ऑप्शंस 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 30 दिसंबर एंड 29 नवंबर. द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज 2 दिसंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज स्टार मार्क दिस क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग वन द 55th जनपीठ अवार्ड इन 2019. ऑप्शंस अक्कीतम प्रेमदास, रचना मंडल, अनिल देसाई. द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज अक्कीतम. नेक्स्ट, वैन इज द वर्ल्ड एड्स डे ऑब्जर्व. ऑप्शंस 28th नवंबर, 29th नवंबर, 30 नवंबर एंड 1 दिसंबर. द करेक्ट आंसर इज डी. नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ माइग्रेंट इन लिविंग अब्रॉड एज पर द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2020. कौन सी कंट्री है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेंट रहता है. माइग्रेंट का मतलब होता है किसी दूसरी कंट्री से आके हमारी कंट्री में रह रहे हैं. ऑप्शंस जापान, मेक्सिको, चाइना एंड इंडिया. आपको पता होगा इंडिया में जहाँ पे अभी रोहिंग्या मुस्लिम्स का क्राइसिस हुआ था, तो सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके माइग्रेंट रहते हैं, इंडिया. एंड द नेक्स्ट इज, विच फिल्म वॉन द गोल्ड पीकॉक अवार्ड इन IFFI इंडियन फिल्म फेस्टिवल अवार्ड. किसको मिला है 2019 में. ऑप्शंस पार्टिकल्स, जलीकट्टू, मरिगेला, बैलून. द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज पार्टिकल्स. नेक्स्ट, विच इंडियन सिटी हैज़ द वर्ल्ड रोस्ट ट्रैफिक एज पर द ग्लोबल ट्रैफिक इंडेक्स 2019. ऑप्शंस न्यू दिल्ली, बीजिंग, टोक्यो, बेंगलुरु. द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज बेंगलुरु. नेक्स्ट, इंडिया गीता संभवल has been appointed as the UN residence corridor in which nation. किस नेशन में की गई है. ऑप्शंस मालदीव, थाईलैंड, वियतनाम, कीनिया. द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज थाईलैंड. नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग एक्ट्रेस हैज बीन सेलेक्टेड फॉर पद्मश्री अवार्ड 2020. कौन सी एक्ट्रेस आपकी पद्मश्री अवार्ड 2020 के लिए सेलेक्ट हुई है. स्टार मार्क क्वेश्चन. ऑप्शंस दीपिका पादुकोण, कंगना रनावत, आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ. करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज कंगना रनावत. नेक्स्ट,
द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ ऑफर टू सेल इट 100% स्टेक इन विच एयरलाइन. ऑप्शंस विस्तारा, एयर इंडिया, एयर एशिया, इंडिगो. द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज एयर इंडिया. नेक्स्ट, वट इज द नेम ऑफ पेट्रोल पोर्टल गवर्नमेंट रिसेंटली रिलीज टू स्पीड अप कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ नेशन हाईवे. ऑप्शंस तेज, स्पीड, गैडी एंड मग. द करेक्ट आंसर इज सी. नेक्स्ट, वेन इज द वर्ल्ड लिप्रोसे डे ऑब्जर्व एवरी ईयर. ऑप्शंस 25 January, 26 February, 10 January एंड 30 January. करेक्ट आंसर इज डी. नेक्स्ट, हुज डेथ एनिवर्सरी इज बींग ऑब्जर्व ऑन January 30. किसकी डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व करते हैं हम जनवरी 30 को. ऑप्शंस इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस. करेक्ट आंसर इज बी. नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट रिसेंटली रिपोर्टेड फर्स्ट कन्फाइंड केसेज ऑफ कोरोना वायरस. कहाँ पे हुआ था, कौन से इंडियन स्टेट में हुआ था, ये वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कोरोना वायरस अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है. ऑप्शंस वेस्ट बंगाल, असम, केरला, बिहार. तो कहाँ पे मिला था सबसे पहले आपका, केरला में. नेक्स्ट, विच नेशन इज द सेकेंड बिगेस्ट वेपन प्रोड्यूसर आफ्टर द US एंड द स्पीरी एनुअल रिपोर्ट. इसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपके सबसे सबसे ज़्यादा वेपन किसके पास हैं, US के पास. तो देन नेक्स्ट कौन सी कंट्री है. ऑप्शंस इंडिया, रशिया, जर्मनी एंड चाइना. द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज चाइना. नेक्स्ट, शेख खालिद हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच नेशन. कौन से नेशन के प्राइम मिनिस्टर बने हैं शेख खालिद आपके. ऑप्शंस कतार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कतार, सऊदी अरेबिया, कुवैत एंड UAE. द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज कतार. नेक्स्ट, वट इज द नेम ऑफ NBA प्लेयर हु रिसेंटली डाइड इन अ हेलीकॉप्टर क्रैश. कौन था आपका. ऑप्शंस स्टीपन पॉल, रुसेल वेस्टब्रुक, जेम्स हार्डन, कोब ब्रायंट. द करेक्ट आंसर इज डी. नेक्स्ट, व्हेन इज नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया. ऑप्शंस 24 January, 25 January, 26 January, 27. द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज 25. नेक्स्ट, व्हेन इज द नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ऑब्जर्व एवरी ईयर. कब होता है आपका नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे. ऑप्शन 16 January, 11 October, 24 January, 26 February. द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज 24 January. नेक्स्ट, हाउ मेनी चिल्ड्रंस वर ऑनर्ड विद द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020. ऑप्शंस 49, 51, 57 एंड 38. कितने स्टूडेंट्स को मिला है आपका, 49. नेक्स्ट, विच स्टेट्स डिजास्टर माइग्रेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर वॉन द सुभाष चंद्र बोस अपना प्रधानपन पुरस्कार 2020. ऑप्शंस केरला, उत्तराखंड, उड़ीसा, गुजरात. करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज उत्तराखंड. नेक्स्ट, वट इज द इंडिया रैंक इन ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020. इंडिया का रैंक बताना है. ऑप्शंस 40, 55, 68, 72. The correct answer is D, that is 72. Next, what is the India ranking in recently released Corruption Perception Index 2019? Options 57, 65, 73 and 80. The correct answer is D. Next, which Indian state recently launched Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana? Options Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, मध्य प्रदेश, राजस्थान. द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज उत्तर प्रदेश. नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक हैज ओपन इन विच सिटी. ऑप्शंस पुणे, भोपाल, चेन्नई, इंदौर. द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज भोपाल. ई वेस्ट का मतलब आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जितना भी होता है. नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस बर्थ एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे. कब की जाती है. ऑप्शंस 23 January, 22 January, 21 January एंड 20 January. द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज 23
जैन. नेक्स्ट, इंडिया वॉज रैंक्ड एट विच पोजिशन इन रिसेंटली रिलीज्ड EIU ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019? ऑप्शंस 40, 51, 63, 77. द करेक्ट आंसर इज बी. नेक्स्ट, चिल्ला सेरुवलन सिट्टी हैज बिकम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच बैंक? ऑप्शंस SBI, BOI, बैंक ऑफ इंडिया, BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड PNB. द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज SBI. नेक्स्ट, द वर्ल्ड आर्किरी हैज कंसिडेंटली लिफ्टेड द सस्पेंशन इम्पोज्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी? ऑप्शंस AAA, AII, AI और AIG. द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज AAI. द लास्ट सेक्शन इज, द फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्टली स्पेल वर्ड. इसमें आपको करेक्टली स्पेल वर्ड चूज करना है. ऑप्शंस इसमें करेक्टली स्पेल जो है वो आपका सी है, एडजॉर्नमेंट. ओके, एंड द नेक्स्ट इज इसमें भी आपको करेक्टली स्पेलिंग वर्ड चूज करना है. आप लोग इसको प्रैक्टिस करना खुद से. इसका करेक्ट आंसर है आपका सी. नेक्स्ट में भी आपको फिर से करेक्टली स्पेल वर्ड चूज करना है, तो आप लोग इसको देख लेना एक बार. इसमें करेक्टली स्पेल वर्ड है आपका डेबिलिएटेड. नेक्स्ट, इसमें idiom एंड फ्रेजेस, यहाँ पे आपको idiom एंड फ्रेजेस चूज करने हैं. द फर्स्ट इज अ वाइल्ड गूस चेज. ऑप्शंस टाइमली सर्च, रॉन्ग डिसीजन, यूजलेस सर्च एंड फ्रूटफुल सर्च. द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज यूजलेस सर्च. तो यानी कि अ वाइल्ड गूस चेज का मतलब क्या होता है आपका, यूजलेस सर्च. नेक्स्ट, अ मूट पॉइंट. मूट पॉइंट एंड ऑप्शंस आर अनक्लियर, अननोन, एग्रीएबल, डिस्प्यूटेड. द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज डिस्प्यूटेड. नेक्स्ट, कैटनैप. कैटनैप को क्या बोलते हैं? ऑप्शंस फिटफुल स्लीप, लॉन्ग स्लीप, शॉर्ट स्लीप एंड रेस्ट. द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज शॉर्ट स्लीप. नेक्स्ट, टू पुल अ लॉन्ग फेस. ऑप्शंस लुक सेट, लुक काम, लुक सरप्राइज, लुक हैप्पी. द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज लुक सेट. नेक्स्ट, फिट हर लाइक अ ग्लोव. ऑप्शंस टू लार्ज, टू शैबी, टू टाइट एंड परफेक्टली. द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज परफेक्टली. नेक्स्ट, नेक्स्ट में आपको इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चूज करना है. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज वन हु इज नॉट इजिली प्लेस्ड बाय एनीथिंग. ऑप्शंस गुलेबल, फैसिडियस, इनोसेंट, अमेनेबल. द करेक्ट आंसर इज बी. नेक्स्ट, अ पर्सन अनसेल्फिशली कंसर्न हु फॉर और डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ अदर. जो पर्सन अपना कंसर्न होता है किस चीज़ के लिए, डिवोट करने के लिए, दूसरों के वेलफेयर के लिए. ऑप्शंस ईगोस्टिक, अनसेल्फिश, अल्ट्रुइस्ट, वेलफेयरिस्ट. यहाँ पे देखेंगे दूसरा का मतलब होता है आपका अल्टर. तो यहाँ से आप लोग ट्रिक लगा के दिमाग से करेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं, सी, दैट इज अल्ट्रुइस्ट. नेक्स्ट, वायलेशन ऑफ दैट विच इज होली और स्केयर्ड. ऑप्शंस मैनिवोलेंट, स्कार्लिएज, ब्रिजी, इनिक्विटिस. द करेक्ट आंसर इज बी. नेक्स्ट, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी क्या कहलाता है आपका, एब्रिजमेंट, कंडामेंट, इमेजमेंट, बेरीवेलेंट. द करेक्ट आंसर इज सी. नेक्स्ट, वन हु हैज द आर्ट ऑफ स्पीकिंग इन सच अ वे दैट द साउंड सीम टू कम फ्रॉम अनदर पर्सन और प्लेस. ऑप्शंस एब्सोल्यूटिस्टिक, बिब्लिस्टिक, वेंट्रिलोक्विस्टिक एंड क्लेरिस्टिक. द करेक्ट आंसर इज सी. नेक्स्ट, वन हु डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी. ऑप्शंस साइनोसोर्स, डैमेगोगो, एपिक्योर, वैंडल. द करेक्ट आंसर इज डी. नेक्स्ट, टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल द ब्लेम. ऑप्शंस हाइप्रो, एक्सोनरेट, एस्किपिज्म, हैंगपैक. द करेक्ट आंसर इज बी. अब इन क्वेश्चंस में आपको फाइंड करना है एरर कहाँ पे है. ठीक है,
तो इनको करने का तरीका क्या होता है, पहले आप एक एक सेंटेंस को पढ़िए, ए को पढ़िए, अगर आपको लग रहा है कि ए सम ऑफ द रिचेस्ट, यानी कि इसमें कोई गलती नहीं है, तो देन आप क्या करिए, इसमें वापस मत आइए, आगे को मूव करते जाइए। ए यानी कि आपको सिर्फ एक करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन क्या करना होता है, चूज करना होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग, सम ऑफ द रिचेस्ट बिजनेस मैग्नेट लिव इन द मुंबई एंड नो एवर। ठीक है, लिव इन मुंबई भी आपको ठीक लग रहा है, तो यानी कि लिव इन मुंबई आपको ठीक लग रहा है, तो यानी कि ए और सी आपके करेक्ट से हैं। तो इनकरेक्ट यहाँ पे क्या है आपका, बिजनेस मैग्नेट, तो द करेक्ट आंसर इज यहाँ पे बी। नेक्स्ट, दिस इज एन अर्जेंट मैटर, वाई मैटर विच में एडमिट ऑफ फ्यू डिलेज, नो एरर। ये आपको ऑप सेंटेंस दे रखा है, आपको एरर बतानी है कि ए में एरर है या बी में एरर है या आपका सी में एरर है या फिर नो एरर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी एरर है वो किस में है, सी में, दैट इज ऑफ फ्यू डेज, फ्यू डिलेज। ठीक है, यहाँ पे इसमें एरर है आपका। नेक्स्ट, आई यूज्ड अ पेयर ऑफ ब्लैक ट्राउजर फॉर अ वीक, नो एरर। अब यहाँ पे बताना है आई यूज नहीं, आई यूज होता है ना, तो कहाँ पे एरर है आपकी, ए में। नेक्स्ट, ही हैज मेड अ मिस्टेक ऑफ विच आई एम सर्टेन, ये सेंटेंस आपका क्या है, कंप्लीटली करेक्ट है, तो यानी कि क्या आंसर होगा इसका, डी, दैट इज नो एरर। नेक्स्ट, ही वॉज नॉट अलाउड फॉर द टीचर टू रीड इन अ लो वॉइस, एंड लास्ट ऑप्शन आपको दे रखा है नो एरर, तो यहाँ पे इसका आपका इनकरेक्ट क्या है, देखिए टीचर के आगे द लगा दिया है, कोई स्पेसिफाई नहीं किया है कि किस टीचर की बात हो रही है। अगर द, अगर साइंस टीचर, केमिस्ट्री टीचर, तो स्पेसिफाई कर देता ना किस चीज का टीचर है, तो यहाँ पे खाली टीचर लिखा है, उसके आगे आपका कौन सा आर्टिकल लगा दिया है, द, तो यहाँ पे किस चीज की एरर है आपकी, आर्टिकल की, तो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, अब यहाँ पे आपको सेंटेंस में कुछ इंप्रूवमेंट करना है, जैसे ऑप्शन देख, क्वेश्चन देख लेते हैं, ही बिगेन ओन अ न्यू बिजनेस वेंचर, ऑप्शंस बिगन ओपन इन बार नो इम्प्रूवमेंट, यहाँ पे आपको इसमें लग रहा है कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो इसमें क्या करेक्ट आंसर है, यहाँ पे आपका सी, दैट इज इम्बार्क। नेक्स्ट, आई से आई हैव टू से देम द ट्रूथ, आई हैव टू से देम द ट्रूथ, यहाँ पे से में आपको लग रहा है कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, स्टेट, टेल, स्पीक, नो इम्प्रूवमेंट, यहाँ पे आ रहा है आपका बी, दैट इज टेल, आई हैव टू टेल देम द ट्रूथ, सी नहीं होता ना, हम लोग क्या बोलते हैं, आई हैव टू टेल देम द ट्रूथ। नेक्स्ट, द SSB विल इंटरव्यू द कैंडिडेट बिटवीन 8 AM एंड 3 PM, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आपका नो इम्प्रूवमेंट, यहाँ पे इसमें आपको कोई इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है, ये आपका करेक्ट है। एंड आपने लास्ट टेस्ट सीरीज में भी पढ़ा था, एंड दो सेंटेंस को आपस में क्या करता है, दो टाइम को आपस में जोड़ता है, तो यहाँ पे करेक्ट है। एज सून एज आई अराइव्ड इन होम आई न्यू दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, तो यहाँ पे अराइव्ड इन होम में आपको लग रहा है कुछ चेंज कर रहा है, ऑप्शंस अराइव्ड बाय होम, अराइव्ड होम, अराइव्ड माय होम, नो इम्प्रूवमेंट, यहाँ पे इन नहीं होगा, इन यहाँ पे आपका गलत यूज किया गया है, तो करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज अराइव्ड होम। नेक्स्ट, हिज पावरफुल डिजायर ब्रॉट अबाउट हिज डाउनफॉल, तो यहाँ पे इसमें कोई करेक्शन आपको लग रही है, डिजायर ब्रॉट अबाउट पावरफुल, ये जो सेंटेंस आपको दिया है ये थोड़ा उटपटा सा नहीं लग रहा है, हिज पावरफुल डिजायर, तो यहाँ पे और करेक्ट आंसर आपका आएगा हिज डिजायर फॉर पावर। नेक्स्ट, रमेश लेड इन द सेड ऑफ अ ट्री बिफोर ही कुड वॉक फर्दर, ऑप्शंस लेन, ले, लाइड एंड नो इम्प्रूवमेंट, लेड नहीं होता है यहाँ पे, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आएगा बी, दैट इज ले, ले का मतलब लेटा था। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको करेक्ट फिल करना है, फर्स्ट माई सिस्टर मैरिज पास डैश पीसफुली, माई सिस्टर पास्ट ऑफ, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे अवे, बाय, ऑफ, आउट, द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज ऑफ। नेक्स्ट, हेल्थ इज टू इम्पॉर्टेंट टू बी, ऑप्शंस डिस्कार्डेड, डिस्पोज, नेग्लेक्टेड, डिटेक्टेड, द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज नेग्लेक्टेड। नेक्स्ट, वट डैश हैज द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज हैड ऑन इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, ऑप्शन इफेक्ट, वट इफेक्ट होगा ना, क्या इफेक्ट कर रहा है, तो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज इफेक्ट, इफेक्ट, इफेक्टिंग, इफेक्टिंग तो होगा ही नहीं, तो कंटिन्यू चल रहा है,
इफेक्ट भी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर इज ए. नेक्स्ट, देयर नो सेंस डैश कैरिंग ऑन दैट वे. यहाँ पे आपको बताना है कि क्या आएगा आपका करेक्ट. इन, ऑफ, ऑफ, नन ऑफ दिस. तो यहाँ पे कौन सी प्रिपोजिशन आएगी आपकी? इन. ठीक है, देयर इज नो सेंस, हम लोग बोलते भी है ना, नो सेंस इन कैरिंग ऑन दैट वे. ठीक है, द करेक्ट आंसर इज ए. नेक्स्ट, आई कांट रिमेंबर डैश इट इज. इसमें आपको फील करना है होम, हु, हुज, नन ऑफ दिस. द करेक्ट आंसर इज बी, आई कांट रिमेंबर हु इट वॉज. नेक्स्ट, नो वन बट डैश एवर मेड अ परफेक्ट स्कोर ऑन द टेस्ट. ऑप्शंस हर, सी, हर, नन ऑफ दिस. द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज हर. नेक्स्ट, इन द अर्ली डेज ऑफ फ्रंटियर हिस्ट्री हॉर्स थीव्स वर हैंगिंग. हैंगिंग फिर से कंटिन्यू आ गया, तो कंटिन्यू नहीं होगा. नेक्स्ट, हंग, हैंग, नन ऑफ दिस. द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज हैंग. नेक्स्ट, नाइदर इन यूअर रिस्पॉन्स डैस सेटिस्फैक्ट्री आर इज एम नन ऑफ दिस. द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज. नेक्स्ट, टेल डैश इज वेटिंग टू कम इन. ऑप्शंस वट एवर, हुएवर, हुम एवर, नन ऑफ दिस. तो क्या बोलते हैं हम लोग? हुएवर. द करेक्ट आंसर इज. नेक्स्ट, इसमें आपको सेम मीनिंग बताना है, यानी कि ये क्या है आपके सिनोनिम्स. ऑप्शन, फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडियोसी. ऑप्शंस ब्रिलियंसी, प्रिविलेज, डॉगमा, एब्सट्रुडिटरी. द करेक्ट आंसर इज डी. इसका मतलब क्या होता है देख लेते हैं. आइडियोसी का मतलब एक्सट्रीमली स्टूपिड बिहेवियर. क्या हुआ इसका मतलब क्या आपका? एक्सट्रीमली स्टूपिड बिहेवियर. नेक्स्ट, स्प्रे डाउटफुल, निम्बर, प्रोजिनिसिटेट, लीव. इसमें स्प्रे का मतलब क्या होता है? स्पेशली ऑफ एन ओल्ड पर्सन. ठीक है, किसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं? स्पेशली है ओल्ड पर्सन के लिए, एक्टिव एंड लाइवली. ठीक है, ये भी है. और निम्बल का मतलब क्या होता है? क्विक एंड लाइट इन द मूवमेंट और एक्शन. ठीक है, तो इसका सिनोनिम करेक्टली क्या है आपका? करेक्ट आंसर बी. नेक्स्ट, हार्बिंगर. ऑप्शंस फॉरिनर, रील, एपिक, फुट स्टॉल. इसका मतलब क्या होता है? हार्बिंगर का मतलब क्या होता है? अ फ्रोनियर ऑफ समथिंग. तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? ए. नेक्स्ट, सिंप्लीटन. इसका सिंप्लीटन का मतलब क्या होता है? अ फुलिश और गुल्लीबल पर्सन. ठीक है, तो हमें देखना है कि कौन सा इससे सिमिलर है. ऑप्शंस डंक्स, टेलर, जीनियस, क्वैक. तो यहाँ पे इसका मतलब आपका, डंक्स का मतलब होता है अ पर्सन हु इज स्लो इन लर्निंग और स्टूपिड पर्सन. तो करेक्ट आंसर इज ए. नेक्स्ट, ब्रीविटी. ब्रीविटी का आपको देखना है करेक्ट ऑप्शन क्या है. कॉर्पलर, शॉर्टनेस, मॉइस्चर एंड वेलोर. द करेक्ट आंसर इज बी. नेक्स्ट, एंटोनिम्स अब आपको फाइंड करने हैं. फर्स्ट आपका दे रखा है एमिएबल. एमिएबल का मतलब क्या होता है आपका? स्नेही. ठीक है, तो इसका हमें एंटोनिम फाइंड करना है. ऑप्शंस क्रेबी, एफेबल, एमिकेबल और चीजफुल. द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज क्रेबी. नेक्स्ट, एंटोनिम हमें फाइंड करना है रिप्रिजल का. इसका मतलब क्या होता है आपका? बदला लेना. ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? सिंपैथी, एमेंजमेंट, एमेंगिंग और रिटेलेशन. करेक्ट आंसर इज सिंपैथी. सिंपैथी, सहान. नेक्स्ट, एंटोनिम ऑफ लुसिड. लुसिड का मतलब क्या होता है? स्पष्ट. स्पष्ट यानी कि क्लियर. ठीक है, ऑप्शंस एविडेंट, ऑब्वियस, एक्सप्लिट एंड वेगू. तो यानी कि इसका जस्ट अपोजिट. द करेक्ट आंसर इज डी. नेक्स्ट एंटोनिम बताना है आपको पेसीफाई. पेसीफाई, पेसीफाई इसका मतलब क्या होता है? शांत करना. तो ऑप्शंस करेक्ट अब हमें देखना है एलाई, इनसाइट, कोन, कूल. द करेक्ट आंसर इज बी. नेक्स्ट एंटोनिम ऑफ गार्बलेट. ऑप्शंस गार्बलेट का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट. ऑप्शंस स्लैंट, अनस्क्रैम्बल, ऑब्विश्योर, प्रीवेंट. द करेक्ट आंसर इज बी. नेक्स्ट एंटोनिम ऑफ प्रोलिफिकेट. प्रोलिफिकेट का मतलब क्या होता है? अपस्वी. ऑप्शंस एमेंडमेंट, एविडेंट, करप्ट, मोरल एंड इमोरल. द करेक्ट आंसर इज सी. नेक्स्ट एंटोनिम ऑफ एक्सोटोरिन. इसका मतलब क्या होता है? एक्सोटोरिशन का मतलब
छीना झपटी करना, ठीक है. ऑप्शंस होलसमनेस, स्टीलिंग, फ्रॉड एंड रैपेसिटी. द करेक्ट आंसर इज ए. नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपको सेंटेंस को अरेंज करना है, ठीक है. क्यू पी आर एस, कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, ये हमने लास्ट टेस्ट सीरीज में भी किया था. तो हम देख लेते हैं, सबसे पहले क्यू से स्टार्ट होगा, पी से स्टार्ट होगा या आर से स्टार्ट होगा. सबसे पहले पी वाला देखते हैं. द मदर डज नॉट केयर फॉर द एग ऑफ एग एट ऑल. नेक्स्ट किस से आ रहा है आपका, आर से. इसको आप लोग एक बार प्रैक्टिस करके देखना. करेक्ट आंसर आपका आएगा ए, दैट इज क्यू पी एस आर. क्यू क्या है, दे. उसके बाद कौन सा आएगा आपका, पी वाला द नंबर. उसके बाद आपका एस आएगा, सी, एंड लास्ट में आपका आएगा नेक्स्ट. नेक्स्ट में आपको फिर से सेम अरेंज करना है. दे नो वट दे हैव टू डू, डोंट नो, डोंट यू नो यूअर ड्यूटीज, ओनली यू रिक्वायर टू बी टोल्ड, अदर स्टूडेंट नीड नॉट टू टोल्ड. इसमें आपको अरेंज करके देखना आप लोग. द करेक्ट आंसर इज ए. एंड द लास्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको अरेंज करना है, जंबल वर्ड्स हैं और इसमें पी क्यू आर एस. आपको सिर्फ पहला वाला फाइंड करना है, सबसे पहला कौन सा सेंटेंस आएगा उसी से आपको करेक्ट आ जाएगा. तो करेक्ट आप लोग देखेंगे किसी चीज़ के बारे में बात हो रही, तो यानी कि मैराइन लाइफ. तो करेक्ट आंसर सीधे इसका क्या आ गया, बी, दैट इज क्यू. क्यू से स्टार्ट होगा. ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक.